इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ जो घंटी का निशान है इसको दबा दो, ठीक है? और सारा बवा यहीं सुनते रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, मैं आ गया हूँ एक और नई बवा कॉमेडी कॉल रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक आया है दीपक की तरफ से। वो बोलते हैं कि मैं आपको टॉपिक देता हूँ ऋषिकेश के ऊपर, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, मतलब सारे सेलिब्रिटीज के ऊपर, और आपको मजे लेने हैं। तो उन्होंने कॉल किया और कैसे मजे लिए, आइए सुनते हैं। हेलो सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी? कौन बोल रहा है? चलो मेरे से आते तो पीछे कोई भंग कर रहा है। चिल्ला, कौन है पीछे? नमस्कार, कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछ दे किसकी। अच्छा, क्यों? मैं कह रहा था ऋषिकेश में बहती गंगा, हाँ, चलनी के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा, दिवाली के टाइम हमारा घर। सॉरी, हेलो, अनुपम खेर का सर। ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं, आप ऋषिकेश में बहती गंगा आप पूरे सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ दिवाली पे पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा उसमें। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तू पता नहीं बात हो रहा है, आदि पता नहीं डाल रहा है तू। 1 सेकंड देखो, मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। अच्छा, कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें तू है, अनुपम खेर जी का सर, ऋषिकेश की गंगा, एकदम साफ बात। अच्छा, ये साफ है। सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल रहता है, बिल्कुल बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर, वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती है उससे निकला हुआ पानी। और तेरी मतलब वो कैसे साफ कर दिया? कुत्ते के बैठने की जगह, वो कैसे? वो भी साफ करके बैठता है, तू भी कर लिया कर। आलिया भट्ट का दिमाग, क्या दिमाग उसका? ठीक है, गलत बोल रहे हैं आप। मतलब क्या बोल रहे हैं वाले के फोन टाइम और देख, साफ बात कर लूंगा ये आगे। गलत आदमी। हेलो, साफ साफ बात, ठीक है। हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ, आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना, मैं उसका वही नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पंजी गए थे सत्संग के लिए। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं, आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ, हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे, उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं, तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक, जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी, तो मैं आगे तो मेरी मर्जी, सुन ना। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना, दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप, कौन सा? अरे एक सेकंड, अबे क्यों दिमाग कर रखी यार तू, हो गया भाई गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो, कौन की बात कर रहे? हाँ जी, क्या जी बोल रहा हूँ, कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, कैटिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश, फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं? नहीं नहीं, फिर क्या था? 2 अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो। आज को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे क्या था सत्संग गए थे ना, सत्संग पड़जी लेकर।
मैं वहीं आके मारूंगा तेरे को। चार तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं कह रहा था भाई, बोल कौन रहा है पहले ये तो बता दे, कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ सिंपल बोल रहा हूँ। क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। क्या देख लेगा बताएगा? ओ ओ, ओ। गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ तू, मैं बताऊंगा। मैं आऊंगा, चार लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर। मैं मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। क्या देखेगा? देख लूंगा देख लूंगा करेगा। थोड़ा आवाज नीचे नीचे आवाज। तू है कौन? मैं मेरी एक सेकंड मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूँ। एक सेकंड बात, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या? कि मैं हाँ क्या करूँगा? क्या करेगा? देख लेगा, देख लूंगा बाय। हेलो, आई कैन स्पीक टू जी? हाँ जी बोलिए। हाय सर, दिस इज कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी बोलिए। दिस इज रिगार्डिंग आपको जो टिकट था सर, which is wanted to send that ticket on your address sir. कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहां पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एड्रेस। कंफर्म कर सकते सर प्लीज? हाँ जी। वंडरफुल सर, सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 एम पे। आ जाऊंगा मैं 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है सर। क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है ठीक है, तो सर टिकट्स मैं आपको भेजा दूंगा, आप मैच देख लेंगे? बिल्कुल सर देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ तू हुई ऐसी तू साला, देख लूंगा मैं भी। ये मैच की तो बात कर रहा था, तेरे को मैं देख लूंगा। तू कौन सा गलत बोल रहा है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ। बोलो फीफा 17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर, देख लूंगा मैं। हेलो हेलो हेलो। कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। बहुआ कौन, बात किससे करनी है? आपसे करनी, दो सेकंड बस, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दी? अच्छा, मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना प्याज। अच्छा, तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा, प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा। अच्छा, जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोलो। अच्छा, आप काम कर रहा हूँ। शादी कॉल मत करियो, कॉल नहीं, एक सेकंड। प्याज जो है अपने शादी में प्याज ने 5,000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गए तेरी बकवास, नहीं काट दूंगा फोन। फोन नहीं, एक सेकंड। प्याज का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुरा ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता भी नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया, 5,000 बच गए। जूता लगे में डालना है। तो सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? मैं प्याज की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा, फोन काट दे। कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक बक, प्याज को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब? अच्छा मतलब कि प्याज कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं मैं बहुआ हूँ। अबे चल चल, एक सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्याज एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना, नहीं मिले, एक सेकंड। ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी मिले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकित, सॉरी मैं जान दो प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो भोग, भोग प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, जानना है। नहीं, एक सेकंड, प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ मिस्टर चुपके, कैसे पता है? नहीं पता रहा ना, एक सेकंड, क्योंकि प्यार हुआ तक दुम दुम। चुपके से तक दुम दुम तेरी तक दुम दुम को गंदा बोलिए, प्यार दे दो मैं, फोन काट दिया। हेलो, चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं, लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं, लेकिन लेकिन
चांद को ही क्यों देखा जाता है? ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको बुलाया। हेलो हेलो नमस्कार अंकित। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता। मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नव युवक हमारे साथ। जो ये एक्सपर्ट हैं, आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर बोलो कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं, अगर आपके पास दो मिनट हो तो। नहीं मेरे पास नहीं भाई। तो अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, टॉपिक सुन लो ना। टॉपिक कड़वा चौथ में चांद का दीदार करके क्यों छलनी से देखा जाता है? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं, ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप एक मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट एकदम शुरू कर दें। देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी मामा। वाह यार, तुम क्या 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 बोले जा रहे हो। तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस मामा। तो ये आप लाइन पे मानते नहीं इस बात को, शकुनी की वजह। और सबसे जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा, आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं, लेकिन आपने अपने रिलेशन में देखा होगा कि लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा, मिलनी करवाते हैं। जब जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है। तो मामा बहुत जरूरी है कि नहीं भाई साहब? अच्छा मतलब शादी में भी मामा और चंदा भी मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी। इनका नाम बैठागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे साथ। आप सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं कहते आप बैठागी जी, गलत बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिला। एफसी रॉकिंग नहीं होता बैठागी जी, बहु बोलने रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो। हाँ, ये आप कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे दो मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना रहना, घर वाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ हवा पानी तो चाहिए। पानी तो समंदर में भी होता है, वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ, नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ टूथपेस्ट में डाल रहे हैं, टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बताते फिर क्या बात है, क्या किसने तो बात? मैं अगर टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं क्योंकि मजबूत रहेगा, वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा, रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाला सब देखता है। अरे क्या बात है, मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? देखता है। लेकिन सबके साथ आप शादी नहीं कर सकते, शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा होती है। हाँ। और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं, तो नई बात है। नहीं तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है अभी है तुझे क्या? उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ रखा था। हाँ तो आपकी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ, बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो अरे तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरी, फिर वही बात। पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग, बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझने के लिए। हां के लिए गलत बात दे, तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं दांत कैसे, नमक बताया ना अभी, नमक मत, नमक बताया, नमक बताया है। खत्म बात। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बहुआ बोलो। नमस्ते। हेलो। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल। कौन बहुआ? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, दो मिनट होंगे। हाँ बोल, क्या जी? मैं कह रहा था इस बारी। हाँ क्या आप? अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा?
मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे, तू कौन मेरा बाप होता रोकने वाला मुझे, बताइए जरा। वही बात हो गई, फोन रखा। हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अब तू फिर कॉल कर दिया, कौन है तू भाई? बउआ बोली। अबे बउआ कौन बउआ? ना इंसाफी है। काय बात की ना इंसाफी, पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे, मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस कटे तेरी, तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू, मिल तो तेरे ने तेरे को फोड़ दिया मैंने इस बार पटाखे पटाखे। तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे नहीं हो सकता, आप सुन लीजिए। क्या बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है? हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे? फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी होगी? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें, क्या यार शादी हो गई? एक हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने जरूरी, तुम कौन से बात कर रहे हो ये फालतू के? प्लीज अच्छा, I'm sorry, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। सॉरी आई एम सॉरी, क्या मतलब फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी? पसंद से की लव मैरिज अरेंजमेंट? प्लीज जस्ट, लव मैरिज की मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मेरी, मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं। अच्छा। ठीक है ना, एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसी पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं? राइट भाई, क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटा के नहीं छोड़ना है। अबे तेरी, एक सेकेंड बस करो, पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ, पटा के ना छोड़ना पटा के। ठीक है तेरी। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन बोल रहा? अमिताभ चंद का बहुत बड़ा फैन हूँ। अमिताभ चंद बोल कौन रहा भैया? बउआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा। आप अमिताभ चंद चिपका के बोलोगे तो अमिताभ चंद ही सुना, अमिताभ चंद में। सुनो तुम्हें के उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ चंद जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है, बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई, अंधेरी रातों में। अरे हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ, अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते, बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर मेरी जाए। और बताओ है? इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ, तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, हाँ लाउड स्पीकर भी लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे नारे, वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार, तो उनको नाना नाना ना रे, ठीक है। एक लास्ट सुनी, अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते, बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा। भाई तू भी बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे भी। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। देख मैं हम भी बताएंगे। हाँ बताइए भाई, अगर वो आज के डेट में नहारे होते ना तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा, शावर से। अबे सावा है, सावड़ नहीं है, घटिया आदमी। घटिया तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात में, घटिया मेरे घटिया बोल रहा है। दिमाग लगा ना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया, मतलब सावड़ सावड़। अबे चल 93.5 एफएम बजाते रहो। सावा सावा सावड़ 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 साउंड का सावड़। ओ माय गॉड, अमिताभ चंद जी को हैप्पी बर्थडे अंकिल जी, स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो
नमस्ते जी। नमस्ते जी, बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए जी? घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपको घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं। भैया जी एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया। नहीं थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार मम्मी, आप फोन। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना? नहीं बार बार, बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं, कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले ली, आप बार बार। नहीं तो ये एक मिनट, आपकी दो बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है? आप नहीं, नहीं तो क्या हुआ? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप घर में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजके खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, अब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो आटिका। हेलो बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। किससे बात करनी है, कौन बउआ? आपसे दो मिनट चाहिए थे। आप बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तुझे बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाऊंगा पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए, तो दूसरे बात कर, बदतमीज कहीं के। ए, उठा के पटक दूंगा आगे, दम निकल जाएगा। सॉरी एक सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई। मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बच 3 लाख रुपए फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाई ओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाई ओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए ना। हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी, एक सेकेंड, आपने देखी पिक्चर देखी है सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है, साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है? हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान जी फोन करो। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तू मशीन लेके, मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। उतनी पूरी बड़ी मशीन पूरी तुमने तो तेरी तू पानी पी ले, फिर बोलना कुछ जो बोलना। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए।
हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं वो हुआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे दो मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने, गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं। वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से। एक सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है, अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। जिस कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अरे माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था, वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? मैं वो एक सेकेंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं। कौन मैं? वो तो आपको बताऊंगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है? अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा मेरी, गेम के बारे में मैं गांव कर, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है बच्चों को। मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत? हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम, कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेज्ड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड बाय दैट यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूं, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको, कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं, मेरे मैं बात सुनो, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप तो चुराओगे नहीं और ना मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए, बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे, गलत बोल रहे आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर के गलत आदमी। गलत है, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय।
हेलो हेलो अरे कोई बोलेगा हेलो अरे कोई बोले हेलो अरे क्या ड्रामा है हेलो अरे कुछ बोलेगा भाई हेलो अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा चल दबाना हेलो अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार अरे कुछ बोलेगा हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका हेलो तेरा नंबर पुलिस तूने दिमाग खराब कर रखा है बोल लिया मार रहा है और पुलिस उल्टा है नंबर पुलिस में देगा ना पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी गाली तू दे रहा है मैंने कुछ बोला मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ मैंने तो शांति बनाई रखी है तू ही बोल रहा है शांति बनाए हूँ क्या कर रहा है तू क्यों बोलूँ मैं कुछ क्यों बोलूँ मैं कुछ जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूँ कुछ और तू उल्टा पुलिस को तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है मैं तो शांत था यही था पेशेंट्स का टेस्ट है ये ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से मैसेज से हूँ करेंगे कुछ हो सकता है कुछ बोले हो सकता है कुछ ना बोले तू भड़केगा अपना आपा खो देगा गुस्सा सॉरी गुस्सा करेगा थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तेरे यही मैं कह रहा हूँ आपको भड़कना नहीं शांत रहना है गुस्सा नहीं करना है आपा खोगे टेंशन लोगे आदमी को चिढ़ोगे उसको गाली दोगे सामने आएगा फोड़ दोगे फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को मिले मेरे नंबर पुलिस को देगा सावधान रहे भाई शांत रहे समझा कहाँ कहाँ चला गया हेलो अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो जैसा सिखाया था वैसे सॉरी गलत बात 93.5 रेड एफएम बजाते रहे मैं हुआ बोल रहा हूँ हेलो हेलो हाँ जी अंकिल नमस्ते हाँ बोल भाई पीछे सब आवाज शोर मच रहा है थोड़ा साइड हो जाओ हाँ बंद हो गया मैं कह रहा था हाँ कहो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कैसा कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला अच्छा तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए क्या कह रहा है क्या कहना चाहता है कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों हाँ तू अपनी गाड़ी तेज भगाए वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए क्या बोलना क्या चाह रहा है तू वो गाड़ी अचानक हाँ? तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए अच्छा कभी ऐसा हुआ है अरे क्या मसला क्या है पूरा मसला ये, बता। ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा? गाड़ी की तरफ दौड़े कभी ऐसा हुआ है भाई क्यों मत खराब कर रहा सुबह सुबह उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में हॉकी तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे कभी ऐसा हुआ है दिमाग खराब है क्या किसको फोन मिलाया है और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे कभी ऐसा हुआ है फोन रख काट दिया हेलो तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं कभी ऐसा हुआ है मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ तो मेरा फोन काट रहा है सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है किस लिए कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं तेरे को कभी ऐसा हुआ है धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें अभी 100 नंबर फोन करूंगा तेरी उठवाऊंगा वहीं पे हाँ कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे कभी ऐसा हुआ है अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी भैया कभी हुआ है क्या ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपसे अबे नहीं हुआ हैं नहीं हुआ हाँ तो यही पूछ रहा हूँ अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई गुड लक कभी होना भी नहीं चाहिए भगवान से प्रार्थना मेरी तेरी कौन तू ये तो बता अभी 100 नंबर फोन करता हूँ सुबह सुबह काट रहा है सर हेलो इतनी बेइज्जती तूने किसी की क्यों और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे कभी ऐसा हुआ है ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा समझा फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको कौन सा लाफ्टर मोमेंट अच्छा लगा कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी
या आपको कौन सा प्रैंक ज्यादा अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको हाईलाइट कर सके और हम आपको ऐसे ही नई नई प्रैंक वीडियो और आगे और भी दो चार चीजें अच्छी आने वाली है आप सब देखिए एंजॉय कीजिए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और देखते रहिए बहुआ की कॉमेडी कॉल्स।